हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अब बज चुके हैं 7:30। आज है फ्राइडे और मैंने अभी वॉशिंग मशीन लगा दी है और उसके बाद मेरे को चक्की लगानी है क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया है। और अब तो और मैं क्या है, घर में पीसती हूँ चक्की से आटा और मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। और क्योंकि आज मेरे बिल्कुल आटा ख़त्म हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग में जल्दी ही लगा दूँगी, जिससे क्या है फटाफट काम फ्री हो जाए। तो यही है सब, और बच्चे अभी उठे नहीं हैं तो उनको भी फिर वो मैंने आपको कल बताया था मिल्क शेक बनाऊँ। और गर्मी इतनी बढ़ गई है ना फ्रेंड्स कि आप ऐसे आके बैठो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मॉर्निंग में भी फील नहीं होता है कि यार मॉर्निंग है, मतलब वही। और दिन में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जो जल ही जाते हैं एकदम। तो गर्मी तो खैर, गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैं अभी क्या है मॉर्निंग में क्या है, सुबह सुबह इनको बस पराठा वगैरह या फिर खाना वाना बनाना उसमें लगी हुई थी तो मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो क्या है, मैं सुबह सुबह उठते ही है ना पानी पी लेती हूँ, पर अगर ज़्यादा ऐसा हो ना कि काम तो उसमें है ना, फिर मैं इनके जाने के बाद ही पीती हूँ। तो और यार इस पिंपल ने मेरा है ना जीना हराम कर रखा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों इतनी गर्मी, वैसे इतना कुछ गर्म मैं खाती नहीं हूँ। आम तो देखो, आम किसको पसंद नहीं है, आम तो खाएंगे ना यार। तो देखते हैं, ये भी इसको कुछ करूँगी मैं, घर का ही कुछ होगा, देखते हैं यार इसको भी कितने दिन रहेगा, ये जाएगा तो है ही, पर बस परेशान कर रहा है, दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में कपड़े धो ले तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोपहर तक सूख जाए ना तो ठीक है, क्योंकि उसको 9-10 बजे तक तो सूख जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद कपड़े सुखाना, ओ माय गॉड, मतलब कपड़े नहीं सूखते जितने हम ज़्यादा, मतलब वो सूरज की उसमें जाके तो उल्टा हालत ख़राब हो जाती है, पसीने पसीने। नहाए हुए होंगे ना तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार हम नहाए हुए हैं। तो चलो यही काम है। और मैं पी रही हूँ गिलास में पानी। मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ी पसीने पसीने हो रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों को भी मैंने मिल्क शेक बना कर खिला दिया है। और अब मैं लगाऊंगी चक्की, कपड़े भी सुखाने हैं क्योंकि कपड़े भी धुल चुके हैं और बहुत तेज़ धूप हो गई है। क्या करें, इतनी गर्मी है ना, इसमें कुछ भी करने का मन नहीं होता। फ्रेंड्स ये क्या है आप पता करो कुछ ये है पुदीना, अभी कुछ कुछ सूख चुका है। ये क्या है, मैं इसको दही में डाल लेती हूँ जैसे रायता बनाया, क्योंकि अब ये थोड़ी तासीर ठंडी होती है ना इसकी, तो दही में डालने के बाद इसका स्वाद, मतलब रायते का स्वाद या दही का, अगर सिंपल दही में भी डालोगे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये मैंने पुदीना है जो सुखा लिया है, मेरी चाय बन रही है तो यही है। और मैं अभी चक्की लगाऊंगी क्योंकि मैंने बोला तो था कि चक्की लगाऊंगी, फिर मैंने अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया था, कपड़े वपड़े धोना, थोड़ा मॉर्निंग वॉक। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर क्या करें इतनी धूप हो गई है ना कि उसमें करने का कुछ मन ही नहीं करता है। मैंने चक्की लगा ली है, पीछे मेरी चक्की चल रही है और जो कपड़े मैंने धोए हैं उनको मैं सुखा लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम है और दिन के बजाय ज़्यादा काम है आज, तो चलो उनको मैं निपटा लेती हूँ। और अभी क्या है, आटा ख़त्म हो गया है तो सुबह सिर्फ उनको इतना ही आटा था कि खाना बना सकती थी, अब फिर दोबारा खाना बनाऊँगी, मतलब आटा दोबारा गूँथूँगी। तो करती हूँ अब स्टार्ट। वैसे लेडी जो वुमेन होती हैं उनको कभी फुर्सत नहीं होती है ना, हमेशा जब देखो काम काम काम, यार कभी कम काम होता है और कभी ज़्यादा काम, पर काम ज़रूर होता है। आदमियों की तरह कभी छुट्टियाँ नहीं होती हैं यार, जो जेंट्स आराम से घर पे संडे के दिन रहते हैं, हमारी तो संडे के दिन भी ज़्यादा ही काम होता है उल्टा। और ये मेरी चक्की चल रही है, मैं ज़्यादातर मोस्टली घर में ही सब कुछ पीती हूँ, जैसे लड्डू के लिए जो मोटा मोटा आटा होता है वो भी, जैसे कुछ भी दलिया वगैरह है, बेसन है, चावल का आटा है,
मैं बाहर से मतलब बाहर से लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत वाला मिलावट वाला आता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। और आजकल पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है कि आटे में प्लास्टिक मिला दिया, पता नहीं खैर अब ये कितना सच है कितना क्या है, पर बाहर का तो भाई मिलावट वाला तो होता है, प्योर तो कुछ भी नहीं होता। तो देखो मेरा बेटा खेल रहा है, चलो अब मैं करती हूँ अपना काम जिससे, और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, फटाफट निपटाती हूँ अब इसको। हमारी तो संडे के दिन में ज़्यादा ही काम होता है उल्टा, और ये मेरी चक्की चल रही है। मैं ज़्यादातर मोस्टली घर में ही सब कुछ पीती हूँ, जैसे लड्डू के लिए जो मोटा मोटा आटा होता है वो भी, जैसे कुछ भी दलिया वगैरह है, बेसन है, चावल का आटा है। मैं बाहर से मतलब बाहर से लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत वाला मिलावट वाला आता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। और आजकल पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है कि आटे में प्लास्टिक मिला दिया, पता नहीं खैर अब ये कितना सच है कितना क्या है, पर ये मेरी चक्की चल रही है, ये गेहूँ और इसमें गेहूँ और मैंने इसमें चने भी मिला रखे हैं। और सच में गए बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या कहूँ। इधर बच्चों की टीवी चल रही है तो आप देख ही सकते हो कि एक तो क्या है, कपड़े वपड़े सुखाओ, फिर घर का काम, घर की क्लीनिंग, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस करती हूँ अपनी क्लीनिंग। ओह आटा लग रहा है, वो क्या है मेरी चक्की चल रही थी ना तो उसकी वजह से आटा लग गया। तो ये होता है मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन। वैसे आज चक्की वाला थोड़ा अलग है, क्योंकि ये मैं 15-20 दिन में आटा पीसती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पीस के रखती, क्योंकि ज़्यादा पीस के रखना कोई सही नहीं है। वैसे भी हम चार मेंबर हैं, चार कहाँ, एक तो मेरा छोटा बच्चा जो ऐसे ही खाता है ना, मतलब बड़ी मुश्किल से तो वो खाता है। तो उससे क्या है कि हम इतना थोड़ा सा ही पीसते हैं 15-15 दिन के गैप में, जैसे कभी कभी 20 दिन भी हो जाता है, पर मैं ज़्यादा नहीं पीस के रखती हूँ। तो वो थोड़ा अलग है, पर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है दिन की। और मुझे क्या है, चक्की थोड़ी जल्दी लगाने नहीं चाहिए थी, पर आज मेरे को क्या है, कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश करने थे, क्योंकि कल थर्सडे था और मैंने कल मतलब कपड़े नहीं धोए थे, तो आज मेरे को वो कपड़े डबल हो गए, तो इसलिए डबल काम हो गया आज। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक वुमेन के लिए वेट लॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए होता मतलब मुश्किल इसलिए होता है कि एक तो उसके बच्चे, फिर उसका घर और फिर उसका काम, क्योंकि यार इतना भाग दौड़ में देखो भूख तो लगती है, फिर उसमें ना बहुत कम कैलोरी वाला खाना खाओ जिसमें मतलब संतुष्टि भी ना हो, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। थोड़ी यार मैं क्यों बोल रही हूँ, जब मैंने ये चीज़ की है तो वो चीज़ मैंने फेस करी है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ। तो ये है, एक तो मैं जब भी वेट लॉस मैंने जब किया था ना, उस टाइम वास्तव में बहुत दिक्कत आई थी, और ये तो खैर चलते रहते हैं। पर जैसे हाई सोसाइटी के जैसे लेडीज़ वगैरह होती हैं, उनके क्या हेल्पर होते हैं, तो वो आराम से वेट लॉस कर लेती है, क्योंकि वो आके बस ऑर्डर देने का ही काम होता है। अब जैसे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो अब यार हमें ही बनाना, हमें ही खाना और हमें ही संभालना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों को, वेट लॉस भी करना, अरे यार हम ही नहीं खाएंगे तो कैसे, पर ये चीज़ भी करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। खासकर हाँ जेंट्स लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको है ना जिम से आए या कहीं मतलब दौड़ लगा के आए, कहीं भी कुछ करके आए, तो बस आराम से कहते हैं चलो ये ले आओ, पानी ले आओ, ये यार हम घर आते हैं तो हमें कौन पानी देगा, कोई नहीं देता है, हमें खुद ही उठ के लेना पड़ता है खुद ही पानी। चलो मैंने एक एग्जांपल दिया है, पानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, घर का सारा काम वो तो हमको ही करना पड़ता है ना, पर और लेडीज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं, पर हाँ थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, उसी के बाद ही कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। और हाउसवाइफ होती है वो तो मैं तो क्या कहूँगी, आप सब लोग जानती हो, मैं तो एक हाउसवाइफ
के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसका घर, ये सिर्फ हाउसवाइफ ही समझ सकती हैं, हाउसवाइफ सारी लेडीज समझ सकती हैं। इसलिए आज मेरा यही ब्लॉग था, क्योंकि मैं अब इतनी थक चुकी हूँ कि अब मैंने बस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, तो क्लीनिंग के बाद फिर मैं कुछ और काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाता, तो इतना लंबा ब्लॉग फिर क्या पता सब लोग कहेंगे यार इतना लंबा बोर कर रही है, तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ा मतलब यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स, ये होती है इंडियन वुमेन बिजी लाइफ। ये कहने में ये आता है कि तुम करती क्या हो, हम ये करते हैं, जो शायद किसी को समझ नहीं आएगा, ख़ासकर जेंट्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।